हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MMZ8s। तो गाइस, आज की फोर वीडियो में हम फोटो एडिटिंग करने वाले हैं वर्षिक चौधरी की, जो मैंने ये इंस्टाग्राम पर से फोटो ली थी और उसको हम आज एडिट करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत जबरदस्त एडिटिंग होने वाली है। चलिए तो गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली पोस्ट करता रहता हूँ नई नई। आप उन पोस्ट पर जाइए और कमेंट करके बताइए किस पोस्ट का आपको ट्यूटोरियल चाहिए, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उस पोस्ट का ट्यूटोरियल लाऊंगा। चलिए तो आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फोटो को लाइट रूम में लेके चलते हैं। अब मैं लाइट रूम में इसकी कलर ग्रेडिंग करेंगे। लाइट रूम में प्रीमियम वर्जन का यूज़ कर रहा हूँ। लाइट रूम में शेयर कर लिया, अब चलते हैं लाइट रूम में। तो अभी जो है हमारा फोटो लाइट रूम में आ चुका है। सबसे पहले हम इसकी लाइट में चलते हैं और जो लाइट में कमी हो रही है इसको करेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी हाईलाइट को थोड़ा कम कर लेंगे, क्योंकि हाईलाइट हमारी थोड़ी ज़्यादा आ रही है। बाकी एक्सपोजर भी ठीक लग रहा है मुझे। कॉन्ट्रास्ट को हम हल्का सा बढ़ा लेंगे, वैसे तो कॉन्ट्रास्ट सही है हमारी फोटो में। उसके बाद शेडो को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। उसके बाद अगले ऑप्शन में चलते हैं कलर में। तो सबसे पहले हम वाइब्रेंस को इसके फोटो को बढ़ा लेंगे, लगभग 51% वाइब्रेंस को बढ़ा लेंगे। उसके बाद मिक्स में चलते हैं, टेम्परेचर को भी नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद चलते हैं ग्रीन कलर में। बहुत छोटी सी कलर ग्रेडिंग होने वाली है, वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है। तो हम ग्रीन कलर का जो यू है देख लेते हैं, इसको माइनस में कर देंगे और सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, लुमिनस को थोड़ा सा कम कर देंगे। उसके बाद चलते हैं येलो कलर में। येलो कलर में जाने के बाद हम इसका यू जो है लगभग 83% माइनस में कर देंगे और सेचुरेशन को हल्का सा बढ़ा लेंगे, लगभग 27% तक हम इसको बढ़ा लेंगे। उसके बाद चलते हैं अपने स्किन के कलर में। स्किन के लिए मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, सैचुरेशन का भी हल्का सा प्लस कर लेंगे और इसका यू को भी थोड़ा सा प्लस में रखेंगे। उसके बाद हम अगले यहाँ तक जो हमारा कलर जो है, कलर में बाकी छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो कलर थे हमने उनको एडिट कर लिया है। उसके बाद चलते हैं अगले ऑप्शन पर। यहाँ पर जाने के बाद हम तो इसका थोड़ा सा विनेट कम कर लेंगे। विनेट को कम करने के बाद हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर। हम यहाँ से चलते हैं इसके शार्पनेस को बढ़ा लेंगे हल्का सा, लगभग 23% तक शार्पनेस बढ़ाएंगे। नॉइज रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और कलर रिडक्शन को बढ़ा लेंगे। स्मूथनेस को हल्का सा बढ़ा लेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि स्मूथनेस भी सही आ रही है फोटो में। तो यहाँ पर जो हमने ओवरऑल एडिटिंग कर चुके हैं अपनी फोटो में, बिफोर आफ्टर देखते हैं अभी तक का। तो बिफोर आफ्टर देख सकें आप, थोड़े से चेंज से हमारी फोटो एकदम बढ़िया बन चुकी है। उसके बाद कर्व टूल का हम थोड़ा सा इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ब्लू कलर को देख लेते हैं। ब्लू कलर को थोड़ा सा ऊपर से उठा लेंगे, हल्का से उठाएंगे बस, ज़्यादा नहीं। उसके बाद नीचे से भी थोड़ा सा उठा लेंगे। सेंटर से भी हम हल्का सा उठा लेंगे और इसके जो है हम यहाँ से हल्का सा डाउन कर लेंगे। हाईलाइट को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। उसके बाद चलते हैं ग्रीन कलर में। रेड कलर को नहीं छेड़ना है। ग्रीन कलर में जाने के बाद हम इसका थोड़ा सा सेंटर उठा लेंगे और शेडो में हम थोड़ा सा रेड सा कर देंगे हल्का सा। तो अभी देख चुके हैं आप, हमने कर्व टूल का भी इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से करा है। हमारी जो है इसमें कलर ग्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड फोटो भी आप देख सकते हैं कितने कमाल का बन चुका है। बिफ़ोर आफ्टर, बिफ़ोर ऐसे था और आफ्टर में देखिए आप, फोटो भी अब अट्रैक्टिव सी लग रही है एकदम। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे कि इस फोटो को किस तरह एडिटिंग करनी है। मैं आपको एडिटिंग सिखाना चाहता हूँ। अगर आप अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं और एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि नई वीडियो जो आए उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए और अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पर आने वाली है। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए, स्क्रीन पर आपको यूज़र नेम शो रहा होगा। मुझे वहाँ पर कमेंट करके बताइए पोस्ट क्योंकि किसका ट्यूटोरियल लाना है, मैं अपना उस पोस्ट का ट्यूटोरियल अपने यूट्यूब चैनल पर लाऊँगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।